हम लोग सीखेंगे गुना बनाने की एक प्राचीन ट्रिक। ए लिखा हमने संख्या और ए खींची लकीर और हो गए हमारे गुना। तो देखिए क्या होते हैं हमारे इसके लकीर को हम लोग बड़ा खींचेंगे थोड़ा ज़्यादा फैली और ये हो गए हमारे आंसर। आप लोग सोचते हो कैसे, तो आगे देखिए वीडियो में दिखते आते हैं। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। चलिए हम लोग आज बात करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं समय और कार्य का, टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ेंगे काम की क्षमता और कार्य के विषय में, और आगे हम लोग ट्रिक्स भी पढ़ेंगे गुना को बनाने का। एक प्राचीन ट्रिक्स मैंने बताया है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए काम और समय, टाइम और वर्क में होता क्या है कि मानते हैं अगर दो व्यक्ति है और किसी काम को वे लोग करते हैं, मानते हैं दो व्यक्ति हो गया आकाश और विकास, दो व्यक्ति हो गए। किसी काम को अगर आकाश किसी काम को 20 दिन में करता है और उसी काम को विकास 10 दिन में करता है, तो इन दोनों के टाइम एंड वर्क में अंतर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टा होते हैं। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टा भी होते हैं। जैसे समझ लीजिए कैसे उल्टा होते हैं, तो आकाश किसी काम को 20 दिन में करता है यानी 1/20, एक काम को 20 दिन में किया यानी 1/20, वहीं विकास किस उसी काम को 1/10 यानी एक काम को 10 दिन में किया। तो आकाश के हिसाब से विकास उसी काम को आधा में करेगा, यानी जितना दिन में आकाश एक काम करेगा उतना दिन में विकास दो काम करता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या काम करने में, काम की करने वाले की क्षमता में भी अंतर होता है। क्षमता में अंतर क्या होता है, तो आकाश के काम करने की क्षमता, इसलिए मैंने गाना गाया था इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं क्षमता में अंतर। इफिशियंसी, क्षमता का मतलब होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी में अगर यह उसी काम को करता है 20 दिन में या करता है 10 दिन में, तो इस दोनों के ताकत में भी अंतर होगा, दोनों के ताकत में भी अंतर होगा। तो ताकत में अंतर होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं, मानते हैं अगर दो व्यक्ति है आकाश विकास, और वहीं प्रश्न आता है हम लोगों का, क्या प्रश्न में आता है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, अगर किसी काम को वे लोग करते हैं तो उसके काम का क्षमता अगर 15 दिन है और इसके काम का क्षमता अगर 10 दिन है, तो दोनों में भी अंतर होगा। यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा, कम लगता है। तो इफिशियंसी यहाँ ज्यादा कम लगेगी, यहाँ इफिशियंसी कम हो जाती है और यहाँ इफिशियंसी ज्यादा हो जाता है, यहाँ इफिशियंसी ज्यादा है, यहाँ क्षमता कार्य क्षमता ज्यादा है और यहाँ कार्य क्षमता कम है। वर्क इफिशियंसी ऑफ वर्क यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अगर आगे हम लोगों को ट्रिक भी समझना है तो हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स अकेला किसी कार्य को 15 घंटा में करता है तथा वाई किसी कार्य अकेला किसी कार्य को 12 घंटा में करता है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, कितना समय मिलेगा, दोनों को मिलकर काम करने की क्षमता कितना समय है। तो हम लोग लिखेंगे, तो चूंकि एक्स उसी काम को 15 घंटा में करता है, तो उसकी कार्य की क्षमता हो गई 1/15। और वाई उसी कार्य को 12 घंटा में करता है, उसकी कार्य की क्षमता हो गई 1/12। तो हम लोग दोनों के कार्य की क्षमता को आपस में जोड़ देंगे, x और y, x प्लस वाई
दोनों मिलकर कर इसी कार्य को कितना देर में करेंगे। अच्छा समझ आ रहा है, करेंगे करेंगे क्या, समझते रहिए और बनाते रहिए, और क्वेश्चन भी आप लोग बनाते रहिएगा, और क्वेश्चन भी हमको कमेंट भी दीजिएगा, मैं भी बनाऊंगा, आप लोग भी बनाइएगा। अब हम लोग उसको सीधा करेंगे फटाफट का, जो 1/15 जोड़ 1/12 बारह पंद्रह का लघुगणक होता है, एलसीएम होता है 60, कर देंगे 15 × 7 12 × 6 60, 5 × 9 = 60 कट जाएगा, 3 × 20 = 9 20 × 60 3/20, यानी 100 वाई इसी काम को एक साथ मिलकर 3/20 को 3/20 घंटा घंटा को हम लोग नीचे का ऊपर कर देते हैं, ऊपर का नीचे कर देते हैं, तो 20/3 घंटा निकट जाएगा, 6 × 3 = 18 यानी 6 घंटा 40 मिनट में कार्य कर लेगा, 6 घंटा 18 मिनट समय लगता है। अरे भाई हबड़ाइए मत, गुना बनाने का एक नया तरीका तो सीखते जाइए, प्राचीन तरीका तो सीखते जाइए, मैंने पहले ही बताया था तरीका क्या होता है। जैसे हम लोग लिखे हैं 22 और 23, 22 और 23 को गुना हम लोग चीना ऐसे लकीर खींच दिए थे पहले, लकीर खींच के और ऐसे बना दिए हैं कैसे, इसको समझ लेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जगह जो लकीर खींचेंगे इसमें जगह होना चाहिए दो लकीर के बीच में, जैसे अब हुआ हमारा 22, तो 22 के लिए हम लोग लकीर खींच दिए, 2 और 2 22 हो गए। अब हम लोगों को खींचना है 33, तो 33 के लिए हम लोग 3 चिन्ह ऐसे खींच देंगे और फिर कुछ हटके 3 चिन्ह ऐसे खींच देंगे, 3 लकीर इधर से खींच दिए, 3 लकीर उधर खींच दिए और 2 लकीर ऐसे खींच दिए। अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को देखना है, हम कभी भी कोई भी गणित बनाते हैं जोड़ घटाओ गुना भागा, तो हम लोग इकाई का स्थान इधर से दाएँ से लेते हैं, तो दाएँ से हम लोग काटेंगे, दाएं देखते हैं बिंदु कितना हुआ, इस बिंदु को गन लेंगे, तो गनेंगे यह 3 चिन्ह है, तो गनेंगे 1 2 3 4 5 6 बिंदु हो गए। अब उसके बाद फिर दूसरा स्टेप यानी हम लोग दहाई में चलते हैं, दहाई में हम लोग देखेंगे इस सामने वाले को, तो यहाँ गनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का दूर ले लेंगे, हाथ में एक कैरी ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग दाएँ हो गए, उसके बाद हम लोग चलते हैं सैकड़ा में, फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और हाथ में एक लिए थे 7 726, यही हो गया हमारा आंसर। और फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 23 × 14, फिर हम लोग 23 है तो 2 के लिए 2 लकीर खींच देंगे, 3 के लिए 3 लकीर खींच देंगे, अब हमारा है उसके बाद 14 का 1 और 1 दहाई का 1 और इकाई का 4, हमारा ये लकीर हो गया। अब हम लोग फिर इसमें छाटेंगे, ये इसमें गिन लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 4 × 12 का 2 हाथ लगा, 1 कैरी ले लेंगे, उसके बाद फिर गिनेंगे इसमें और इसमें, इसमें गिनते हैं 4 × 8 3 × 11 = 12 हाथ में फिर 1 ले लेंगे और उसके बाद यहाँ गिनेंगे 1 2 2 हुआ और हाथ का 1 3 यानी 300, ये हमारा आंसर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिक्स जानना हो गुणा का भागा का तो हमें कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं।